नमस्कार, मैं जय श्रीनागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। सीमा जाखड़ का नाम तो आपको याद ही होगा, वही जिन्हें हाल ही में बड़लोट थाना प्रभारी रहते हुए 10 लाख रुपए लेकर डोडा पोस्ट के एक तस्कर भगाने के मामले में राजस्थान पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। इस मामले में सीमा जाखड़ का साथ देने वाले एक हेड कांस्टेबल और दो कांस्टेबल को भी पुलिस सेवा से टर्मिनेट कर दिया गया। राजस्थान पुलिस की बर्खास्त लेडी इंस्पेक्टर सीमा जाखड़ रविवार रात को विवाह बंधन में बंध गई। पुलिस की ओर से फरार बताई जा रही सीमा जाखड़ अपनी शादी में जमकर नाची। उसकी शादी के वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। सीमा की शादी में पुलिस महकमे से भी कई अधिकारी और कर्मचारी पहुंचे। सीमा जाखड़ की शादी जोधपुर के भोपालगढ़ इलाके के सुखराम कालीराणा के साथ हुई है। सुखराम कालीराणा कोचिंग संस्थान में टीचर बताए जा रहे हैं। अपनी शादी में सीमा जाखड़ ने जमकर डांस किया और उसके चेहरे पर पुलिस सेवा से बर्खास्तगी का कोई गम नजर नहीं आया। बताया ये जा रहा है कि शादी समारोह में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। एक तरफ पुलिस जहां सीमा जाखड़ को फरार बता रही है, वहीं सीमा की शादी में कई पुलिसकर्मी शामिल हुए। स्टाइलिश लाइफस्टाइल जीने की शौकीन सीमा जाखड़ के स्थानीय नेताओं से भी अच्छे संबंध रहे। वह चमक दमक वाली जीवन शैली बिताने में विश्वास रखती हैं। अपनी नियुक्ति से लेकर बर्खास्त होने तक सीमा जाखड़ कई बार विवादों में रह चुकी हैं, लेकिन ऊंचे रसूख के चलते वह हर बार कार्यवाही से बचती रहीं। लेकिन इस बार 10 लाख रुपए लेकर तस्कर को भगाने के मामले में बुरी तरह से फंस गई। इसका परिणाम उन्हें पुलिस सेवा से बर्खास्तगी के रूप में भुगतना पड़ा है। सीमा जाखड़ राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर बैच 2013 में चयनित हुई थी और इसके बाद वह पाली के सोजत और सांडेराव थाने की प्रभारी भी रह चुकी हैं। फिलहाल वह सिरोही जिले के बड़लूट थाना प्रभारी थी। यहीं पर करीब 2 सप्ताह पहले उसने पुलिस गिरफ्त में आए डोडा पोस्ट के एक तस्कर को 10 लाख रुपए की रिश्वत लेकर उसे फरार करा दिया था। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहे, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।